सो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो दो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड नंबर 96 और 97 फिलर है, तो मैं उनको 98 के साथ ही कवर करने वाला हूं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि बोल्टो और मिस की असाइनमेंट डेस्क की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको आज एक नया मिशन मिलने वाला होता है। तो मिस की बोल्टो को बोलता है हमारा जो नया मिशन है वो जॉइंट मिशन होगा टीम 15 के साथ में, तो हम लोगों को ढंग से परफॉर्म करना होगा। तो ये बोल्टो की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि जंगल के अंदर किसी चीज पर नजर रख रहा होता है। तो बोल्टो को लगता है शायद ये हम लोगों पर नजर रख रहा है, और बोल्टो उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने को NF से। तो वो आदमी नीचे गिर जाता है और साथ में एक पक्षी का घोंसला भी नीचे गिर जाता है। तो वो आदमी उस घोंसले को बचा लेता है, अंडों को फूटने नहीं देता। तो ये मिस की उस आदमी को पहचान जाता है और बोलता है ये तो मिस्टर तोसाकू है, ये तो पक्षियों पर नजर रखते हैं, ये तो पक्षियों के रिसर्चर है। तो बोल्टो बोलता है बोल्टो शायद तुमने गलत इंसान पर अटैक कर दिया। तो वो लोग उनको होश में लाते हैं और बोलते हैं आप ठीक तो ना मिस्टर तोसाकू। तो तोसाकू बोलता है कि चलो कम से कम अंडे तो सेफ है। तो बोल्टो बोलता है आपको अंडों पक्षियों से शायद कुछ ज्यादा ही प्यार है, और अंडों से कुछ ज्यादा ही प्यार है मिस्टर तोसाकू। तो तोसाकू उस अंडों को लिख करता है और पहचान जाता है कि अंडे जो बहुत ज्यादा रेयर पिजन के स्पीसीज के हैं, और वो उन अंडों को वापस उठाता है और वापस पेड़ के ऊपर रखने जाता है। तो मिस की बोलता है क्या सच में बहुत ज्यादा रेयर स्पीसीज के अंडे हैं? तो तोसाकू बोलता है हाँ ये जो पिजन है वो बाकी स्पीसीज से बहुत ज्यादा अलग है, इनके जो जीन्स है वो थोड़े अलग होते हैं बाकी स्पीसीज से। तो मिस्की को पता चल जाता है कि जीन्स क्या होते हैं, और बोलता है अच्छा जीन्स वही होते हैं जिससे हमारे क्रोमोसोम डिसाइड होते हैं, लेकिन बोल्टो को पता नहीं चलता। तो तोसाकू उसको समझाता है कि जीन्स से डिसाइड होता है कि तुम्हारी बालों का रंग क्या होगा, तुम्हारी आंखों का रंग क्या होगा। तो बोल्टो बोलता है ये सब क्या मतलब है, मेरे जीन्स तो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं, मैं कैसा दिखना चाहता हूं ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो तोसाकू बोलता है बोल्टो तुम सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और वो उसको लिख करने की कोशिश करता है, उसको चाटने की कोशिश करता है। तो बोल्टो उससे दूर हट जाता है और लोग वहां पर चले जाते हैं जहां पर उनको नया मिशन मिलने वाला होता है। तो असाइनमेंट डेस्क वाली उनको बताती है कि टीम 7 और टीम 15 का जॉइंट मिशन होगा। तो बोल्टो बोलता है कि टीम 15 तो यहाँ पे है लेकिन बिग सी सनाबी कहाँ पे है, तुम्हारी कैप्टन कहाँ पे है? तो कोनार उसको बताया कि ताई की हनाबी को एक नया मिशन मिला है, उसको बॉर्डर पेट्रोल टीम के साथ भेजा गया है, और हम लोगों को जो नया मिशन मिला है वो वाइल्ड लाइफ इंक्वायरी के बारे में मिला है, हम लोगों को इंजर्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में पता करना है। और कोनार उनको बताता है हमें रिक्वेस्ट मिली है कि एक विलेज के ऊपर बहुत सारे पक्षी जो अचानक से अटैक करने लग गए हैं, तो हम लोगों को उनका पता करना है और उन लोगों को रोकना है। तो बोल्टो बोलता है बिग सी सनाबी को असली बैटल लड़ने को मिल रही है और हम लोगों को पक्षियों का नजर रखने के लिए मिल रहा है। तो सुमीरो उसको बताते हैं बोल्टो ऐसा मत बोलो, कोई भी मिशन छोटा बड़ा नहीं होता, ऐसा हो सकता है कि छोटा मिशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो कोनार बोलता है हम लोगों को पक्षियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि हम लोगों को निंजुत्सू के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए हम लोग एक स्पेशलिस्ट को बुलाने वाले, और हम लोगों को पता चलता है वो स्पेशलिस्ट और कोई नहीं बल्कि मिस्टर तोसाकू ही होता है जो कि वाइल्ड लाइफ स्पेशलिस्ट होता है। और वो रस्ते में जाते जाते सारे पक्षियों की बीट उठाता है और बीट को चाटते हुए उनको रिसर्च करने लग जाता है। तो शारदा उसको चाटते हुए देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा ग्रॉस फील करते हैं, बोलते हैं ये सब क्या कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इतने नामीदा और वसाबी वगैरह बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ के बारे में ऐसे मिशन करती रहती है। तो बोलते हैं शायद इस बार हम लोग बोटो की टीम से अच्छा परफॉर्म कर पाए इस मिशन के अंदर। तो दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो तोसाकू होता है वो अंडों को लिख करने की कोशिश करता है, तो मिस्की भी उसको देख के लिख करने की कोशिश करता है, तो शारदा उसको रोक लेती है। तो ये वो लोग उस विलेज के पास पहुंचने ही वाले होते हैं जहाँ से उनको इंक्वायरी मिली होती है। तो कोनार बोलता है हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हम लोग विलेज के पास पहुंचने ही वाले हैं। तो शारदा बोलती है मुझे तो कोई भी स्ट्रेंज साउंड सुनाई नहीं दे रहा या फिर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। तभी तोसाकू बोलता है तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है क्योंकि मुझे एक भी पक्षी के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दे रही है, बिल्कुल अजीब बात है। तभी उनको एक बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है एक आदमी के। तो कोनार बोलता है टीम 15 तो मिस्टर तोसाकू को गार्ड करो, हम लोग और टीम 7 मेरे साथ चलो। तो बोल्टो के ऊपर बहुत सारे जो अजीब पक्षी होते हैं वो अटैक कर देते हैं। तो बोल्टो वहीं पर रख जाता है उनसे लड़ने के लिए, और हम लोग देखते हैं वो जो आदमी चिल्ला रहा होता है उसके ऊपर बहुत सारे पक्षियों ने अटैक किया होता है और उसके हाथ पर चोट लग गई होती है। तभी शारदा कोनार और मिस्की वहाँ पर पहुंचते हैं, उसको उन पक्षियों से बचा लेते हैं लेकिन उसके हाथ पर बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बोल्टो उन पक्षियों पर अटैक कर देता है और उनमें से एक को मार देता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तभी एक मॉन्स्टर आ जाता है बहुत डरावना सा जो लग रहा होता है और पेड़ जंगल के अंदर से आता है, वो बोल्टो को डरा देता है। तो बोल्टो बोलता है मुझे नहीं लगता तुम इन पक्षियों से लड़ने के लिए आए हो, तुम शायद मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए हो। और वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोल्टो के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस मॉन्स्टर की आवाज़ से हम लोग देखते हैं नामेदा और वसाबी बहुत ज़्यादा डर जाती है, उनको वो मॉन्स्टर दिख नहीं रहा होता बल्कि उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होता है। तभी हम लोग देखते हैं बोल्टो उससे डरते हुए भागता रहता है और वो एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। तो वो जो मॉन्स्टर अचानक से वहाँ पे आ जाता है और बोल्टो के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे न्यूए आ जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और बोल्टो को बचा लेता है। तभी वहाँ पे सवेरे आ जाती है और बोल्टो को बोलते बोल्टो तुम ठीक तो ना, तो बोल्टो बोलते अरे ये न्यूए कितना बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो हम दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो जो आदमी होता है उसको चोट लगी होती है और कोनार उससे विलेज के बारे में पूछ रहा होता है। तो आदमी बोलता है तो मेरे साथ चलो तुम लोगों को विलेज के पास ले चलूंगा। तो बोल्टो वहाँ पे आता है बोलता है कि वो हम लोगों ने एक बहुत बड़े ह्यूज मॉन्स्टर को देखा, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो कोनार बोलता है तुम मुझे इसके बारे में बाद में डिटेल से बताना, फिलहाल हम लोगों को इस आदमी को विलेज के अंदर ले जाना होगा क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। तभी हम लोग देखते हैं उस आदमी की सांसें जो होती हैं बहुत ज़्यादा तेज चलने लग जाती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। तो नामिता बताती है तुम सुमीरे तुमने तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया, तुमने तो आज बोल्टो की जान बचा ली। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विलेजर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और उन लोगों ने अपने हाथ में हथियार ले रखे होते हैं। तो वहाँ पे कोनावर वाता बोलता है हम लोग हिडनली विलेज से हैं, आपने हम लोगों को बुलाया था निंजास को यहाँ पे हेल्प करने के लिए। तो जो विलेज का जो लीडर होता है वो उनको बताता है कि रास्ता दिखाते हुए बोलता है कि इस घायल आदमी को इस तरफ ले आओ, और कोनावर उस घायल आदमी को उस तरफ ले आता है और बोल्टो वगैरह भारी रुक जाते हैं। तो कोनावर बोलता मतलब ये सब कुछ जो है ये बर्ड्स की वजह से हो रहा है।
तो चीफ उसको बताता है कि ये सब कुछ जो है वो एक महीने पहले स्टार्ट हुआ, एक महीने पहले बर्ड्स ने अजीब हरकतें करनी स्टार्ट करी और तभी से हम लोगों को फॉरेस्ट के अंदर से एक मॉन्स्टर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। और यही सेम बात बोल्टो वगैरह को बाहर कुछ आदमी बताते हैं कि अब यहाँ पे सब कुछ रिवर की वजह से हो रहा है, शायद ये रिवर की वजह से हो रहा है। तो कोनोहारू चीफ को बताता है कि तुम लोग रिवर के अंदर से पानी पीना बंद कर दो और वेल के अंदर से पानी पीना स्टार्ट करो, अगर ये सब कुछ रिवर की वजह से ही हो रहा है। तो कोनोहारू देखता है कि उसके हाथ पे एक बहुत सारे अजीब से निशान होते हैं। तो कोनोहारू बोलते हैं निशान किस चीज़ के है। तो चीफ जो होता है वो उसको एक कमरे में ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे आदि पहले से ही होते हैं जिनके हाथ पे ऐसे निशान होते हैं। तभी सुमेरे आती है बोल्टो वगैरह को एक अजीब सी चीज़ दिखाती है, बोलती है तुम मेरे साथ चलो। तो बोल्टो वगैरह जब पहुँचते तो उनको पता चलता है कि यहाँ पे एक आदमी होता है जो कि अनकॉन्शियस होता है, जो कि नदी के पास से मिला था। तो मीस के उस आदमी को पहचान जाता है और बोलता है ये तो जूगो है, मैं पक्का विश्वास से कह सकता हूँ कि ये जूगो है। तो सभी शारदा भी उसको पहचान जाती है और बोलती है मिस्टर जूगो आप होश में आ गए, आप हमें रिवर के पास मिले थे अनकॉन्शियस, आप ठीक तो है ना। तो जूगो उसको बताता है शायद मैं पैर फिसल गया और शायद मैं नदी के अंदर गिर गया हूँ। तो बोल्टो बोलता अच्छा मुझे लगा आपके ऊपर भी किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और आप इसलिए बेहोश हो गए। तो जूगो बोलता मॉन्स्टर, मॉन्स्टर से तुम्हारा क्या मतलब। तो बोल्टो उसको बताता है कि मुझे मेरे ऊपर भी एक मॉन्स्टर ने अटैक किया था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं न्यूए कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है जूगो को देख के, तो सुमेरे उसको शांत करवा देती है। तो बोल्टो उसको बताता है वैसे मिस्टर जूगो आप यहाँ पे कर क्या रहते हैं, आप यहाँ पे क्यों आए। लेकिन जूगो यहाँ पे कुछ भी नहीं बताता। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कोनोहारू जो होता है उस मार्किंग को पहचान जाता है, उसको पता चल जाता है कि एक कर्स मार्क है। तो वो उस ओल्ड मैन से पूछते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। तो ओल्ड मैन उसको बताता है कि अगर विलेजर्स को इस सब के बारे में पता चल गया तो पता नहीं कौन सी र्यूमर्स फैल जाएंगे। तभी हम लोग देखते हैं एक बंदा जो होता है वो कर्स मार्क से प्रभावित होता है, वो खड़ा हो जाता है, उसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा लाल हो रही होती है और उन लोगों पर अटैक कर देता है। तो वो मिस्टर तोसाको पर अटैक करते हुए उनको बाहर ले आता है। तभी हम लोग देखते हैं कोनोहारू बीच में आ जाता है और मिस्टर तोसाको को बचा लेता है और बोल्टो बोलता है बोल्टो तो मिस्टर तोसाको और बाकी सारे विलेजर्स को यहाँ से दूर ले जाओ, और वो उस बंदे को पीछे हटा देता है। तभी हम लोग देखते हैं उस बंदे की नज़र जो होती है वो जूगो पर चले जाते हैं, वो जूगो के ऊपर अटैक कर देता है और वो जूगो पर अटैक करते हुए उसको एक घर के पीछे ले जाता है। तभी बोल्टो जब उनके पीछे भागते हुए आता है तो उसको पता चलता है कि जूगो ने उस बंदे पे कंट्रोल कर लिया और जूगो जो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। तो बोल्टो बोलता है मिस्टर जूगो आप ठीक तो ना। तो यहाँ पे हम लोग जूगो के गाल पे एक अजीब सा निशान होता है और जूगो बोल्टो बोलता है बोल्टो तुम विलेज के फॉरेस्ट के पास में बताना, और ये बोल के वहाँ से भाग जाता है। तभी बोल्टो उस आदमी को देखता है कि इस आदमी के ऊपर से मार्किंग जो हट चुकी है और वो लोग ढूंढने के लिए जाते हैं कि आखिरकार फॉरेस्ट के अंदर हो क्या रहा है और जूगो फॉरेस्ट के अंदर भाग के क्यों आया। तो कोनोहारू उनको बताता है जो मार्किंग तुमने पहले देखी थी वो कर्स मार्क है, वो कोई नॉर्मल मार्क नहीं, और कर्स मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे किसी भी आदमी की फाइटिंग इंस्टिंक्ट बढ़ जाती है। तो शारदा बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि उन बर्ड्स के ऊपर भी कर्स मार्क था, शायद इसी वजह से वो लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। तो कोनोहारू बोलता हाँ हो सकता है, और कर्स मार्क का इस्तेमाल सिर्फ मैंने एक ही आदमी को करते देखा, वो उसका नाम है ओरोचिमारू और जूगो जो है उसी का असिस्टेंट है, तो शायद जूगो के पास भी कर्स मार्क और उसका जो कर्स मार्क है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मिस्की बोलता कहीं आप ये तो नहीं बोलना चाहते कि जूगो इस सब के अंदर इन्वॉल्व्ड है और ओरोचिमारू इस सब के अंदर इन्वॉल्व्ड है। तो कोनोहारू बोलता है कि ये सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता, हो सकता है कि वो सब इन्वॉल्व्ड हो, क्योंकि जूगो को यहाँ पे आना, यहाँ पे कोइन कर्स मार्क होना, और वो उन सब लोगों को बोलता है कि हम लोगों को अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए और सब लोगों को कुछ भी मिले तो सबसे पहले आके मुझे बताना। तभी हम लोग देखते हैं बोल्टो और शारदा जो अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं उनको एक गुफा मिलती है। तो शारदा बोलती है कि हम लोगों को कोनोहारू सेंसेई को जाके बता देना चाहिए, लेकिन बोल्टो बोलता है हम लोगों को कोनोहारू सेंसेई को नहीं बताना चाहिए, हम लोगों को जब जूगो मिलेगा तभी हम कोनोहारू सेंसेई को बताएंगे, और वो लोग उस गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी उनको वहाँ पे गुफा के अंदर जूगो मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा होता है, उसने आसपास इतना ज़्यादा अटैक कर रखा होता है गुफा के अंदर कि तरफ निशानी निशान होते लड़ाई के। तो बोल्टो बोलता है कि हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी जूगो उनको बोलता है मेरे पास मत आओ प्लीज़। तभी हम लोग होते हैं जूगो के ऊपर कर्स मार्क जो होता है वो हावी होने लग जाता है और जूगो उस मॉइस्चर के अंदर ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। तो बोल्टो पहचान जाता है कि वही मॉइस्चर है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, और बोल्टो शारदा को बोलता है शारदा हम लोगों को यहाँ से निकलना ही होगा। तभी हम लोग देखते हैं जूगो पूरी तरीके से उस मॉइस्चर में बदल जाता है और बोलता है मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।